अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन C4 प्लांट्स एंड KM प्लांट्स। तो ये जो डिफरेंसेस है इसको अपने साथ नोट कर लिए, एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट डिफरेंस ये है कि C4 प्लांट्स हॉट कंडीशन में ग्रो होते हैं। C4 प्लांट्स के लिए जो सुटेबल टेम्परेचर है, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, वो 30-40 डिग्री सेंटीग्रेड है। KM प्लांट्स जो है ये सकुलेंट प्लांट्स होते हैं। सकुलेंट प्लांट्स ड्राउट टॉलरेंट और ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट्स हैं। ये डेजर्ट एरिया में ग्रो होते हैं, डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं। तो चूंकि डेजर्ट एरिया में वाटर की अनअवेलेबिलिटी होती है, वाटर की कमी होती है, इसलिए सकुलेंट प्लांट्स के जो स्टेम और लीव्स होते हैं वो फ्लैशी होते हैं, क्योंकि वो वाटर स्टोरिंग टिश्यूज पर मुश्तमिल होते हैं। तो जब बारिश या किसी दूसरे जरिए से उसको वाटर मिल जाते हैं, फिर वो उस वाटर को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर लेते हैं। सेकेंड डिफरेंस ये है कि C4 प्लांट्स में C4 फोटोसिंथेसिस होता है, इसलिए इसको ये नाम दिया है C4 प्लांट्स। KM प्लांट्स में KM फोटोसिंथेसिस होता है, इसलिए इसको ये नाम दिया है KM प्लांट्स। क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। थर्ड डिफरेंस ये है कि C4 प्लांट्स में स्टोमेटा जो है ये डे टाइम दिन के वक्त ओपन हो जाती है और नाइट टाइम रात के वक्त क्लोज्ड हो जाती है। लेकिन यहां पर अपोजिट है, KM प्लांट्स में स्टोमेटा नाइट टाइम रात के वक्त ओपन हो जाती है और डे टाइम दिन के वक्त क्लोज्ड हो जाती है। रीजन क्या है? रीजन ये है, जैसा कि अभी मैंने कहा कि KM प्लांट्स जो है ये डेजर्ट एरिया में ग्रो होते हैं और डेजर्ट एरिया में वाटर की अनअवेलेबिलिटी होती है। तो चूंकि डे टाइम सनलाइट मौजूद होता है, जिसके नतीजे में ट्रांसपायरेशन ज्यादा होती है, वाटर लॉस ज्यादा होता है। तो वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, ट्रांसपायरेशन को प्रिवेंट करने के लिए स्टोमेटा जो है ये डे टाइम क्लोज्ड हो जाती है और नाइट टाइम फिर ये ओपन हो जाती है। फोर्थ डिफरेंस ये है कि C4 प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज जो है ये डे टाइम होता है, क्योंकि डे टाइम स्टोमेटा ओपन हो जाती है। लेकिन KM प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज जो है ये नाइट टाइम होती है, क्योंकि स्टोमेटा जो है ये नाइट टाइम ओपन हो जाती है। फिफ्थ डिफरेंस ये है कि C4 प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस जो है ये डे टाइम होता है, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज डे टाइम होती है। लेकिन KM प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के कुछ स्टेप्स रात के वक्त हो जाते हैं, यानी जो इनिशियल स्टेप होते हैं वो रात के वक्त हो जाते हैं और कुछ स्टेप डे टाइम हो जाते हैं। यानी KM प्लांट्स में CO2 फिक्सेशन जो है ये नाइट टाइम हो जाती है, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज जो है ये नाइट टाइम होती है और केलोन साइकिल जो है ये डे टाइम होती है। सिक्स जो डिफरेंस है वो ये है, अब यहां पर पहले ये नोट कर लें, C4 प्लांट्स में भी CO2 फिक्सेशन में पेप्को एंजाइम जो है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज ये यूज होती है। KM प्लांट्स में भी CO2 फिक्सेशन में पेप्को एंजाइम जो है ये यूज होती है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। तो यहां पर डिफरेंस ये है, चूंकि C4 प्लांट्स में CO2 फिक्सेशन जो है CO2 फिक्सेशन वो डे टाइम होती है, तो C4 प्लांट्स में पेप्को एंजाइम जो है ये डे टाइम यूज होती है। लेकिन KM प्लांट्स में CO2 फिक्सेशन जो है ये नाइट टाइम होती है, तो KM प्लांट्स में पेप्को एंजाइम जो है ये नाइट टाइम यूज होती है।
सेवन का डिफरेंस ये है कि C4 प्लांट्स में क्रेंस एनाटॉमी जो है ये प्रेजेंट होती हैं और केम प्लांट्स में क्रेंस एनाटॉमी जो है ये एब्सेंट होती हैं। क्रेंस एनाटॉमी का मतलब क्या है? देखो C4 प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उसमें मेसोफिल सेल्स के साथ साथ एक और टाइप ऑफ सेल भी मौजूद होते हैं जिसको बंडल शीथ सेल्स कहा जाता है। तो C4 प्लांट्स के लीव्स में जो अरेंजमेंट होती है मेसोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स की उसको क्रेंस एनाटॉमी कहा जाता है। केम प्लांट्स में चूंकि सिर्फ मेसोफिल सेल जो है वो मौजूद होते हैं बंडल शीथ सेल्स एब्सेंट होते हैं तो इसलिए यहां पर हम ये कहते हैं कि केम प्लांट्स में क्रेंस एनाटॉमी जो है ये एब्सेंट होती है। एट डिफरेंस ये है कि C4 प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के कुछ स्टेप यानी C4 फोटोसिंथेसिस के कुछ स्टेप्स मेसोफिल सेल्स में होते हैं और कुछ स्टेप्स बंडल शीथ सेल्स में होते हैं क्योंकि मेसोफिल सेल जो है ये भी क्लोरोप्लास्ट पर मुश्तमिल होते हैं और बंडल शीथ सेल जो है ये भी क्लोरोप्लास्ट पर मुश्तमिल होते हैं। केम प्लांट्स जो है इसमें फोटोसिंथेसिस जो है वो मेसोफिल सेल्स में होता है। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो C4 प्लांट्स के जो एग्जांपल है वो मेज है, शुगर केन है, मिलेट है एटसेट्रा। केम प्लांट्स के जो एग्जांपल है वो कैक्टस है, अगेव है, पाइनएप्पल है एटसेट्रा और ये सब सकुलेंट प्लांट्स हैं। तो ये द डिफरेंस इज बिटवीन C4 प्लांट्स एंड केम प्लांट्स। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।